हमारी समस्या हम हैं जिम्मेदार। हम सब मुंबई में रहते हैं। मुंबई में कुछ परिवार बिल्डिंग में रहता है तो कुछ परिवार स्लम में रहता है, लेकिन सभी की परेशानी और समस्या एक ही तो है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मुंबई महानगर पालिका ने हमें बहुत सारी सुविधा दी है, जैसे पीने का स्वच्छ पानी, सार्वजनिक शौचालय, मार्केट, गार्डन, बच्चों के लिए मैदान, ऐसी बहुत सारी सुविधा दी है। लेकिन वक्त के साथ साथ यह सुविधा कम होने लगी, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने भी आज अपने रहने के तरीके और व्यवहार में बदलाव किया, जिसके कारण आज हम बड़ी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। हमने अपने व्यवहार में क्या बदलाव किया? जैसे कि हम हमारा घर का कचरा गटर में डालते हैं, जिसके कारण गटर का पानी वहाँ पर ही जम जाता है। पानी का नल हमेशा चालू रखते हैं, जिस कारण अच्छा स्वच्छ पानी गटर में जाता है। सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। सार्वजनिक जगह पर हम कचरा करते हैं। मार्केट में होने वाला कचरा व्यक्ति वहाँ पर ही डालकर चला जाता है। हमारे ऐसे ही व्यवहार से हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। गटर में पानी जमने के कारण वहाँ पर बदबू आने लगती है, मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर पानी की पाइपलाइन गटर के बाजू में रहती है, इससे पानी दूषित होता है। दूषित पानी पीने के कारण हमें फीवर, कोल्ड, डायरिया, स्टमक पेन ऐसे अन्य बीमारी का सामना करना पड़ता है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य अगर बीमार होता है तो उसका असर हमारे दिमाग पर और आर्थिक स्थिति पर होता है। अगर इस समस्या से हमें बाहर निकालना है तो कुछ नियमों का पालन हमें करना चाहिए, जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को अलग करें। घर में होने वाला कचरा हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। बहते हुए पानी का नल बंद करें और पानी की पाइपलाइन की दुरुस्ती यानी मरम्मत करें। महीने में एक या दो बार बीएमसी कर्मचारी से गटर और नाले की सफाई करवा के ले। हमें अपने आप को बदलना होगा, खुद को और बस्ती को स्वच्छ रखना होगा, तो ही हम और हमारा परिवार हेल्दी होगा। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प करते हैं। कचरे को कूड़ेदान में डालते हैं और फैलने वाली बीमारी को रोकते हैं।